पान बाइट्स के लिए मैंने 10 पान के पत्ते, 4 लेफ्ट ओवर रोटी का पाउडर किया हुआ है मिक्सर ग्राइंडर में, और गुड़ है 50 ग्राम जितना, घी, ड्राई फ्रूट्स, मिक्स ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम पिस्ता, गुलकंद है और डेसिकेटेड कोकोनट है। ये पान की मैंने इसमें पेस्ट बना दी है। अब मैं इन सबको एक बड़े बाउल में मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैं रोटी का चूरा लूँगी। उसमें गुड़ डालूँगी। गुड़ आप चाहें तो थोड़ा माइक्रोवेव में करके पिघला भी सकते हैं। गुड़ की जगह आप शक्कर भी ले सकते हैं। मैंने इसमें ये 50 ग्राम जितना गुड़ लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये मैंने कम मीठा खाने के हिसाब से ही गुड़ लिया है। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको 30 गुड़ पिघल गया, इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रो किया है। अब इसमें पान की प्यूरी आप चाहे तो चॉप करके भी ले सकते हैं। अब हम गुलकंद में मिक्स ड्राई फ्रूट सारे मिक्स कर देंगे। ये मिक्स करने के बाद इस तरह दिखेंगे। फिर हम पान और रोटी के मिक्सचर में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, अप्रोक्स 1 टीस्पून जितना, और फिर अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और 1 टीस्पून घी मिक्स करेंगे। इस तरह से ये बॉल बना के इनमें मैं गुलकंद और ड्राई फ्रूट का मसाला मिक्स करूँगी। छोटा सा होल करके फिर उनको मिक्स कर दूँगी। इस तरह से उनको बंद करके हम अच्छी तरह से और एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम सारी बॉल्स बनाएंगे। अब मैं तैयार बॉल्स को नारियल के चूरे में लपेटूंगी इस तरह से। हम उनको चारों तरफ से लपेट कर रख देंगे। इसी तरह से सभी बॉल्स को हम कर लेंगे। इस तरह से सभी बॉल्स को नारियल के चूरे में लपेट कर हमने तैयार कर लिया है। मैं बचे हुए बॉल्स को सिल्वर वर्क से गार्निश करूँगी।
इस तरह से आप वरक लगा के उनको गार्निश कर लें। इस तरह से मैंने सभी बॉल्स को गार्निश कर लिया है। तैयार है मेरे पान बाइट्स झटपट बनने वाली रेसिपी।